नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, हमने बायोलॉजी की सीरीज चलाई हुई है और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम ह्यूमन सिस्टम में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र और हमारा दोस्तों श्वसन तंत्र कर चुके हैं। आज ये हमारा एक नया ह्यूमन सिस्टम है जिसको हम ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद एक दो सिस्टम और बचे हैं, फिर हमारा सेल का टॉपिक है और प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है। ये हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए बायोलॉजी से और फिर हमारा पूरा कंप्लीटली बायोलॉजी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये दोस्तों होता क्या है तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखो कि ब्लड जो होता है, जो हमारा रक्त होता है, ब्लड इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड को दोस्तों परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं दोस्तों हम। हाँ जी, मैंने यहाँ पे ऑर्गन लिखा है, देखो सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड जो है एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है कि ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। ये ब्लड का काम है दोस्तों मिनरल्स को, ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाना। ये हमारा काम कौन करता है? ब्लड करता है। इसलिए दोस्तों ये हमारा हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए इसको हमने कैसा ऑर्गन कहा? सर्कुलेटरी ऑर्गन कहा, यानी परिसंचरण अंग कहा। समझ आया? ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट एक बात फिर से यहां पे बात आती है कि हमने पढ़ा ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट जो है ब्लड इज अ दोस्तों ध्यान रखना मेसोडर्मल ऑर्गन। अब ये क्या लिखा है मैंने? मेसोडर्मल ऑर्गन दोस्तों ध्यान रखना, हमारे स्किन में तीन लेयर्स होती है। आप लोगों को अपनी त्वचा दिखाई देती है आपकी, तो स्किन में कितनी लेयर्स होती है? थ्री लेयर्स। और जिसमें से सबसे पहली जो आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर आप लोगों को दिखाई दे रही है, उसको दोस्तों हम एक्टो या एंडोडर्मा कहते हैं दोस्तों। एक्टो या एंडोडर्मा लेयर, ध्यान दीजिएगा। डर्मल जो होता है दोस्तों उसको हम स्किन कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना डर्माटोलॉजिस्ट, तो इसको क्या कहा जाता है? स्किन भाई। ठीक है, डर्मा। एंडो का मतलब होता है बाह्य। ठीक है, क्या होता है? बाह्य। तो एक हमारी जो आप लोगों को बिल्कुल आउटर जो लेयर्स दिखाई दे रही है उसको हम कौन सी लेयर कहते हैं स्किन की? एक्टो या एंडोडर्मो लेयर्स। ठीक है, इसी के नीचे दोस्तों हमारी एक और परत होती है जिसको हम मेसोडर्मा लेयर्स कहते हैं। कौन सी लेयर है? मेसोडर्मा लेयर, यानी मेसो का मतलब होता है मध्य। क्या होता है? स्किन के मध्य में जो लेयर्स होती है। और तीसरे नंबर पे होती है दोस्तों हमारी इंडोडर्मा लेयर्स। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये होती है हमारी इंटरनल। ठीक है, आंतरिक लेयर है ये हमारी स्किन की, इंटरनल। तो हमने लिखा है यहाँ पे ब्लड इज अ मेसोडर्मल ऑर्गन। अब ये क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, ब्लड जो है हमेशा सेकंड और थर्ड यानी मेसोडर्मल के नीचे ही फ्लो करता है। स्किन के कौन सी लेयर के नीचे ब्लड हमारा फ्लो करता है? मेसोडर्मल लेयर के नीचे फ्लो करता है। इसलिए हमने कहा कि ब्लड इज अ मेसोडर्मल ऑर्गन। इसलिए आपको ध्यान रखना है ब्लड हमेशा मेसोडर्मा और एंडोडर्मा के बीच में ही क्या करता है दोस्तों? फ्लो करता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको मेसोडर्मल ऑर्गन कहा। तो बस एक सिंपल सा पॉइंट था, आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि मेसोडर्मल क्या होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना ऑल्सो भाई, ब्लड क्या है भाई? रक्त जो है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है हमारा दोस्तों? टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या लिखा मैंने? संयोजी ऊतक। दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा एक ऑर्गन को दूसरे अंग को जोड़ने वाला कौन सा ऑर्गन होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ह्यूमन ब्रेन को हमारे जो लेग होते हैं उनको जोड़ने वाला कौन सा ऑर्गन हो सकता है, तो आप लोगों का ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला? क्योंकि ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से क्या रखता है? कनेक्ट रखता है। इसलिए ब्लड एक कैसा टिश्यू है, आता है पेपर में, तो एक कैसा टिश्यू है दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं, ब्लड क्या है एक मेसोडर्मल ऑर्गन भी कह सकते हैं, और ब्लड क्या है एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को दोस्तों देख लेनी थी। और दोस्तों कैसा आप लोगों को यहाँ पे लिखा मैंने कनेक्टिव टिश्यू, कैसा कनेक्टिव टिश्यू? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू।
कैसा कनेक्टिव टिश्यू? लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड, द्रव्य संयोजी ऊतक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है, ब्लड की आप लोग इसे पूछ ले जाते हैं, या ब्लड को मापते कैसे हैं, आप लोग कहते हैं ना कि शरीर के अंदर खून की कमी होगी, तो शरीर में खून को यानी कौन से यंत्र से मापा जाता है, तो पहले तो उसका यंत्र लिखो, ब्लड मापने का जो यंत्र होता है दोस्तों उसको हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी, ठीक है, हीमेटोलॉजी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड। ये दो तीन बातें आप लोगों को फैक्चुअल है हमारी ध्यान रख लेनी है, स्टडी ऑफ ब्लड, भाई रक्त की स्टडी को क्या कहते हैं, जो विशेषज्ञ है भाई, जो हमारी स्टडी करता है ब्लड का, उसी को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा कि ब्लड को मापने का यंत्र, कि भाई किसी व्यक्ति के अंदर खून ज़्यादा है या कम है, कौन से यंत्र से मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, ये अलग अलग बातें हैं। ये क्या है, ब्लड मापने का यंत्र इंस्ट्रूमेंट, और ये क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोगों को ध्यान रखना है, नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा भाई, लड़कियों में और लड़कों में ब्लड की अलग अलग क्वांटिटी होती है, अलग अलग मात्रा होती है। तो इन अगर मैं मेल्स में बात करूं भाई, मेल्स में और इन फीमेल्स में कितना ब्लड होता है मेल्स और फीमेल्स में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 से 5 लीटर और दोस्तों 5 से 6 लीटर ब्लड किसके अंदर होता है, इन मेल्स के अंदर। या आप लोग कह सकते हो, ये भी पेपर में ना दिया जाए, ह्यूमन बॉडी के वेट का दोस्तों 7% हमारे अंदर, 7 to 10%, तो वैसे तो आप लोग पेपर में 7 ही आएगा, वैसे 7 से 10% भी हो सकता है, यानी जितना ह्यूमन का वेट है उसका 7 से 10% हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड की क्वांटिटी पाई जाती है, ब्लड की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, इन मेल्स में कितना लीटर ब्लड होता है और इन फीमेल्स में कितना ब्लड लीटर होता है, ठीक है, 4 से 5 और 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर मैं दोस्तों इन यूनिट्स में बात करूं, आप लोग देखते हैं कि भी आप कहते हैं कि मैं ब्लड एक यूनिट डोनेट कराया या दो यूनिट ब्लड डोनेट कराई, तो ये यूनिट क्या होता है दोस्तों, एक यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, 350 से 400 मिलीलीटर होता है एक यूनिट ब्लड में, ठीक है। और दोस्तों तो इन मेल में कितने यूनिट ब्लड होना चाहिए, तो 14 से 17 यूनिट ब्लड होना चाहिए इन मेल में, और 10 से लेकर 14 यूनिट ब्लड होना चाहिए किसमें, इन फीमेल में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक यूनिट ब्लड कितना होता है, 350 से 400 मिलीलीटर। आप लोग कहते हैं ना कि भाई हम ब्लड डोनेट किया है, एक यूनिट कराए या आधा यूनिट किया या डेढ़ यूनिट किया या दो यूनिट किया, तो हिसाब आप लोग लगा सकते हैं आप लोगों ने कितना यूनिट ब्लड डोनेट किया है, ठीक है। चलिए भाई, ये चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं। और यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना दोस्तों, एक ब्लड का जो ड्रॉप होता है उसको बनने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता है हमारे शरीर में। रक्त की एक बूंद को बनने में कितना टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटा लगता है। अगर मैं बात करूं यूनिट की, एक यूनिट बनने में हमारे शरीर में कितना, 15 से 20 दिन लग जाते हैं दोस्तों। एक यूनिट ब्लड बनने में हमारे शरीर में, एक यूनिट कितना होता है यानी 350 से 400 ml ब्लड बनने में कितने दिन लग जाते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग ध्यान रख लेना कि इन मेल्स में कितना होता है, ह्यूमन बॉडी के वेट का 7 से 10% होता है, या 5-6 लीटर या 4 से 5 लीटर, ठीक है, ये वेरी कर जाते हैं भाई, कोई मोटा होगा तो उस वेट ज़्यादा होगा और उसमें ब्लड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए भाई, और इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मोटा है उसमें ब्लड ज़्यादा ही मिले, ठीक है, पर नॉर्मली कंडीशन की बात करते हैं उसमें ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ब्लड की बात हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये हमारा एक ड्रॉप है दोस्तों, ये हमारा ब्लड का क्या है, ड्रॉप है, बूंद है रक्त की, और इसमें क्या भरा हुआ है दोस्तों, इसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, कुछ द्रव्य भरा हुआ है लिक्विड, और द्रव्य के अलावा
तीन अलग अलग प्रकार की, तीन अलग अलग प्रकार की क्या भरी हुई दोस्तों, सेल्स भरी हुई है। ठीक है, तीन अलग प्रकार की सेल्स भरी हुई है। यहाँ पे हमने लिख दिया, मैंने तीन अलग अलग चीज़ें बना दी। देखो ये हमारा एक रक्त बूंद है भाई, इसके लिक्विड पार्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी सेम है। प्लाज्मा किसे कहते हैं, ब्लड के लिक्विड पार्ट को जस्ट नाम दिया गया है क्या, प्लाज्मा। ठीक है, एक ब्लड में तीन प्रकार की सेल होती है दोस्तों। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, तीन प्रकार की सेल्स। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, एक होती है दोस्तों प्लेटलेट्स, या जिसको हम बिंबाणु कहते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई एक ब्लड यानी एक बूंद जो हमारी रक्त की होती है वो चार चीज़ों से मिलकर बनती है। उसे प्लाज्मा मिलेगा, उसे आरबीसी मिलेगी, उसमें डब्ल्यूबीसी मिलेगी और उसे प्लेटलेट्स मिलेंगे। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स। समझ आया? चले दोस्तों देखो अब हम पढ़ लेते हैं ब्लड कंपोनेंट्स। यही तो थे ब्लड कंपोनेंट्स। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स अब अगर हम देखें तो ब्लड में जो दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, ब्लड में एक तो हमारा लिक्विड पार्ट पाया जाता है और एक ब्लड में हमारा कौन सा पार्ट पाया जाता है, सॉलिड पार्ट पाया जाता है। लिक्विड यानी द्रव और सॉलिड यानी ठोस भाई। ठीक है, ब्लड में एक ब्लड में दोस्तों 55% तो हमारा कैसा मिलता है, लिक्विड पार्ट मिलता है और लगभग 45% हमारा कैसा पार्ट मिलेगा, सॉलिड पार्ट मिलेगा। ठीक है, एक ब्लड दिखाई दे रहा है, इसमें 55% तो क्या भरा हुआ है, लिक्विड पार्ट। और लिक्विड पार्ट को क्या कहा था मैंने अभी आप लोगों को, क्या कहा था कि ब्लड में जो लिक्विड पार्ट भरा है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, और ब्लड में जो सॉलिड पार्ट भरा हुआ है वो तीन टाइप्स की सेल भरी हुई है दोस्तों। कितने टाइप्स की सेल भरी हुई है ब्लड में, कितने टाइप की, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है अगर आप लोगों से पूछा जाए। ब्लड में दोस्तों तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स होती है जिसको बिंबाणु कहते हैं दोस्तों। अब ध्यान रखना, आरबीसी जो दोस्तों जो होती है मिलियंस में होती है, लाखों में होती है। डब्ल्यूबीसी जो है दोस्तों थाउजेंड्स में होती है, यानी हजारों में है, और ये कितने में है, लाखों में है, लैक्स में होती है। ठीक है, आरबीसी की संख्या भाई मिलियंस में है, डब्ल्यूबीसी की थाउजेंड्स में होती है, प्लेटलेट्स की लाखों में होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी सेल होती है, तो आप लोग देखोगे तो लाखों में कौन सी सेल है, आरबीसी कोशिकाएं है। फिर दूसरे नंबर पर कौन सी है, प्लेटलेट सेल लाखों में होती है, और कुछ हजारों में कौन सी कोशिकाएं होती है, हमारी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हमने क्या बात की, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, क्वांटिटी सेल्स की बात करूं, तो ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी सेल मिलेगी, आरबीसी, फिर उसके बाद कौन सी मिलेगी, प्लेटलेट्स, और उसके बाद कौन सी मिलेगी आप लोगों को, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये आप लोगों को सीक्वेंस ध्यान रखना है। अगर मैं दोस्तों साइज की बात करूं, यानी कौन सी सबसे बड़ी सेल है, इनमें सबसे बड़ी सेल कौन सी है, छोटी कौन सी है और उससे छोटी कौन सी है, तो साइज की अगर बात करें तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी सेल सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर पे वही प्लेटलेट्स आ जाएगी और तीसरे नंबर पे है आरबीसी। साइज में दोस्तों सबसे छोटी आरबीसी कोशिकाएं होती है अगर साइज की बात करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा है तो साइज छोटा हो जाएगा और जो कम है उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर हमने क्वांटिटी की बात की तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, और साइज की बात करें तो सबसे बड़ी साइज किस कोशिका का, आरबीसी, फिर है प्लेटलेट्स और फिर है हमारा आरबीसी कोशिकाओं का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं ब्लड कंपोनेंट। आज की जो क्लास है वो स्पेशल ब्लड कंपोनेंट पे ही टिकी हुई है, जिसे हम लोग चार कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इस ब्लड वाले में हमको बहुत कुछ जानना है। ब्लड वाले टॉपिक में हम लोगों को दोस्तों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जानना है कि ब्लड हमारे शरीर में कैसे सर्कुलेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, और हम लोगों को हार्ट के बारे में सीखना है। ठीक है, तो तमाम ब्लड ग्रुप्स के बारे में सीखना है। तो तीन चार वीडियोज आने वाली है इकलौता ब्लड वाले टॉपिक से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है हमारा ये वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो ब्लड कंपोनेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्लाज्मा के बारे में।
ठीक है, किसके बारे में? प्लाज्मा। तो आप लोगों ने देखा कि प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, तो ब्लड का लिक्विड पार्ट किसे कहते हैं? ब्लड के लिक्विड पार्ट को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के लिक्विड पार्ट यानी द्रव्य हिस्से को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितने प्रतिशत था? लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है भाई। ठीक है दोस्तों, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कई दफा क्या बोला जाता है, अगर ब्लड में से हम लोग आरबीसी सेल्स को माइनस कर देना, यानी पूरा ब्लड है, मान लो ब्लड में चार चीजें होती है, आपको पता है चार चीजों में से मैंने आरबीसी डिवाइड कर दी, माइनस कर दी, तो वही हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये यूनिट, ये आप लोग इक्वेशन ध्यान रखना, ब्लड में रक्त में से अगर हम लोग आरबीसी कोशिकाओं को हटा दे तो वो हमारा क्या होता है? प्लाज्मा। कई जगह ये इक्वेशन दी रही रहती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्लाज्मा में कौन कौन सी सेल इंक्लूड होती है, तो प्लाज्मा में दोस्तों हमारी WBC सेल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और बिंबाणु कोशिकाएं शामिल की जाती है, किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्लाज्मा से क्या आता है? प्लाज्मा जो है दोस्तों हमारा, ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो कलर होता है, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो दोस्तों थोड़ा सा येलो होता है, पीले कलर का होता है। कैसे कलर का? पीला कलर। ठीक है, हमारे प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो। देखिए बायोलॉजी में मैंने बताया था, जहाँ भी कलर्स की बात होगी ना, वहाँ पे एक पिगमेंट की बात होती है, एक कलर पिगमेंट की बात होती है, जो इसको येलोइश कलर देता है प्लाज्मा को। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लड का कलर कैसा है? रेड होता है। ठीक है, वो आगे बताऊंगा किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। उसी के कारण प्लाज्मा का कलर येलो होता है भाई, ये किसके कारण होता है भाई? ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो दोस्तों, जो हमारा लीवर होता है, हमने पढ़ा था लीवर दोस्तों क्या होता है, दो प्रकार के कलर पिगमेंट निकालता है, दो प्रकार के कलर पिगमेंट निकालता है, यानी वर्णक निकालता है, वर्णक यानी कलर से निकालता है। एक होते दोस्तों बिली रूबिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिली रूबिन, और एक है बिली वर्डिन। ठीक है दोस्तों, बिली रूबिन जो होता है ये कलर देता है येलो कलर, और ये कलर देता है ग्रीन कलर। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। तो दोस्तों क्या होता है, लीवर से जब एक पिगमेंट निकलता है हमारा बिली रूबिन, ये पिगमेंट क्या करता है, कैसा कलर देगा? येलो। और ये हमारे ब्लड में घुल कर हमारे प्लाज्मा का कलर कैसा कर देता है? येलोइश कर देता है, पीला कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि भाई प्लाज्मा का कलर येलो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो आंसर क्या आएगा? बिली रूबिन पिगमेंट की वजह से। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाई हमारे जो ग्रीन जो होता है हमारे, आपको पता है हमारा जो बाइल जूस होता है, हमारा जो पित्त रस होता है, हमारा जो लीवर से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। तो बाइल जूस का कलर कैसा होता है दोस्तों? ग्रीन होता है, हरा होता है। और किस पिगमेंट की वजह से? मैंने कहा जहाँ भी कलर्स की बात होगी वहाँ पर पिगमेंट यानी वर्णक की जरूर बात की जाएगी। तो किस पिगमेंट की वजह से? बिली वर्डिन पिगमेंट की वजह से। कौन निकालता है? लीवर ही निकालता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्लाज्मा से रिलेटेड। चलिए भाई, ये तमाम चीजें आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब प्लाज्मा में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, अब ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा जो होता है दोस्तों उसमें हमारा क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा जो है भाई, प्लाज्मा में हमारी तीन चीजें पाई जाती है। प्लाज्मा में हमारी कितनी चीजें मिलेगी आप लोगों को? तीन चीजें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा में भाई पानी भरा रहता है कितने परसेंट भाई? 90% दोस्तों प्लाज्मा में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा में हमारा प्रोटीन भी भरे रहते हैं, प्रोटीन 9% हमारा प्रोटीन भरा है, और ग्लूकोज और मिनरल्स जो होते हैं दोस्तों वो सिर्फ 1% भरे हुए हैं हमारे प्लाज्मा में। समझ आया? प्लाज्मा जो होता है, जो लिक्विड पार्ट होता था, उस लिक्विड पार्ट में क्या क्या मिक्सचर है भाई? उसमें बहुत सारे प्रोटीन है, उसमें हमारा ग्लूकोज और मिनरल्स है, यानी जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना पचाया था वो ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड के किस पार्ट में चला जाता है? प्लाज्मा वाले पार्ट में चला जाता है, क्योंकि देखो भाई ग्लूकोज और मिनरल्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, और वाटर पाया जाता है 90% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये हमारे प्लाज्मा का कंपोनेंट्स है।
ठीक है। अब ये करते क्या है, वोटर का काम क्या होता है भाई, आप सभी को पता है वोटर्स हमारे शरीर में क्या करता है भाई, जल ही जीवन है, आप लोगों ने सुना होगा भाई। पानी क्या करता है, पानी हमारे एक्सक्रीशन में मदद करता है, हमारे उत्सर्जन तंत्र में मदद करता है, हमारे पाचन में मदद कौन करता है भाई, पानी करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक्सक्रीशन में क्या करता है, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में मदद करता है भाई, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये कुछ वर्ग है हमारे प्लाज्मा के या वाटर के, क्या क्या करता है भाई। वाटर हमें क्या करता है भाई, हमें नमी से बचाता है, ठीक है, नमी से बचाता है। यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो पानी अगर शरीर में होगा तो वो हमको कैसे बचाएगा, नमी से बचाएगा, ठीक है, नमी से बचाता है। और दोस्तों पानी के बहुत सारे वर्ग है, और भी क्या है पानी के वर्ग भाई, हम लोगों को बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, ठीक है, हमारा जो दोस्तों डाइजेशन अच्छे से रखता है, ये हमने कह दिया है आप लोगों को। तो पानी के बहुत सारे काम होते हैं वो आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन। ब्लड में मुख्यतः प्लाज्मा में, अगर मैं बात करूँ, प्लाज्मा की बात चल रही है, प्लाज्मा में मेनली दोस्तों 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन कौन से 5 प्रकार के, एक होता है दोस्तों हमारा थ्रोम्बिन, कौन सा, थ्रोम्बिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन के नाम है। एक होता है फाइब्रिन, और एक होता है दोस्तों फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, और एक होता है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। ये 5 प्रकार के हमारे ब्लड में या ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या है, वाटर का काम सीख गए भाई हम, क्या था भाई, प्रोटीन का काम क्या होता है, प्लाज्मा वाले जो हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है भाई, ये सारे के सारे जो प्रोटीन है ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए वो कौन सा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड क्लोटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में, बाहर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो ये सारे के सारे 5 के 5 प्रोटीन है ब्लड क्लोटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर मैं मेन कंपोनेंट की बात करूँ ना, मेन प्रोटीन की बात करूँ, तो मेन है हमारा दोस्तों फाइब्रिनोजन। अगर ये नहीं होगा ना, तो ये भाई पूरी तरह काम नहीं कर पाते, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी ये होना तो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है फाइब्रिनोजन। अगर पेपर में ये ना दे रखा हो तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स प्लाज्मा वाले क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ही एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाता है, एक शब्द होता है सीरम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है सीरम, SERUM, सीरम क्या होता है, एक इक्वेशन है हमारी भाई, सीरम क्या होता है दोस्तों, अगर मैं प्लाज्मा में से माइनस कर दूं फाइब्रिनोजन प्रोटीन, क्या कर दूं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन अगर मैं प्लाज्मा में से माइनस कर दूं तो वही क्या होता है दोस्तों, सीरम में कहलाता है। ये इक्वेशन ध्यान रखना। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं दोस्तों, अगर फाइब्रिनोजन हमारे प्लाज्मा में नहीं रहेगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। तो सीरम क्या होता है, ब्लड का, रक्त का वो पार्ट होता है जो ब्लड क्लोटिंग नहीं करता, ठीक है। अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं है तो उस प्लाज्मा को, प्लाज्मा नहीं तो उसको क्या कहा जाएगा, अब सीरम कहा जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन भी आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटीन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज और मिनरल्स भाई, इनका काम क्या होता है, आपको पता है ग्लूकोज का काम क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी का जो मॉलिक्यूल्स होता है, ऊर्जा का जो मॉलिक्यूल्स है, वो कौन होता है भाई, ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज से ही तो हम लोगों को क्या मिलेगी, एनर्जी, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी का मॉलिक्यूल्स है हमारे शरीर के अंदर। और मिनरल्स क्या करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज आप लोग समझ चुके हैं, मिनरल्स क्या करते हैं भाई, मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे दोस्तों शरीर में हमारी बहुत सारी एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर भाई रिएक्शन चलते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन चलते रहते हैं, उन रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मिनरल्स का होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को खाने में, अगर नहीं पता तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ पे हमने फर्स्ट टॉपिक किया था अपना, ठीक है, फूड वाला, न्यूट्रिएंट्स वाला। तो दोस्तों ये थे हमारे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स, वाटर था, प्रोटीन था, और ग्लूकोज और मिनरल्स, 1%, 9% और 90%। सीरम किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन मेन कौन सा फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए भाई,
तो अगर मैं कहूँ भाई प्लाज्मा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, हाँ भाई प्लाज्मा करता है क्योंकि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है, प्लाज्मा के प्रोटीन क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। अब मैं प्लाज्मा के वर्क देखूँ भाई, तो ये सारे के सारे वर्क ही तो बताए हम लोग ने। अगर हम देखें कि प्लाज्मा के कार्य है कि प्लाज्मा फंक्शन, प्लाज्मा के क्या क्या कार्य है, प्लाज्मा क्या करता है भाई हमारे शरीर के अंदर, तो आप कहोगे भाई प्लाज्मा ये सारी चीज़ों में मदद करता है, प्लाज्मा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, प्लाज्मा भाई हमारा एनर्जी का मॉलिक्यूल्स है, या प्लाज्मा एक जगह से दूसरी जगह ग्लूकोज को, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को ग्लूकोज मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कार्य थे प्लाज्मा के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं अपना एक एक सेल्स की। ठीक है, मे बी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल है नहीं, और एज इट इज़ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से ब्लड वाले से आ जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपना आरबीसी सेल्स की। ठीक है, आरबीसी सेल्स की, आरबीसी सेल्स यानी रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं भी जिसको कहा जाता है, या रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इसी का अदर नेम क्या है, इसी का अदर नेम है इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट किसको कहा जाता है, रेड ब्लड सेल को ही कहा जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग, साइट यानी सेल होता है दोस्तों, क्या होता है, सेल। ठीक है, इराइथ्रोसाइट किसको कहा जाता है, रेड ब्लड सेल को ही कहा जाता है। ठीक है, इराइथ्रो का मतलब हमारा क्या होता है, लाल होता है दोस्तों, रेड होता है, तो लाल सेल या इराइथ्रोसाइट, जर्मन लैंग्वेज से इराइथ्रो का मीन्स रेड भाई। ठीक है, पहले तो ये तो हमने किया नामकरण दोस्तों। नेक्स्ट आरबीसी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है भाई, आरबीसी का दोस्तों, ब्लड का, सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लड का बता देता हूं दोस्तों। ब्लड का, ब्लड में चारों चीज आती है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जहां भी मैं ब्लड की बात करूं, यानी चारों की बात कर रहा हूं भाई, ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का निर्माण कहां पे होता है, ब्लड का निर्माण होता है कहां पे, बोन मैरो में, बोन मैरो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में ब्लड का क्या होता है दोस्तों, हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, आपसे पूछा जाना है ये हमारे शरीर में ब्लड है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। ये बोन मैरो क्या होता है दोस्तों, हमारी एक हड्डी होती है, आप लोगों को पता है हड्डी जो होती है उसके बीच का ये जो खोखला वाला पार्ट होता है ना, बीच में इसका खोखला पार्ट होता है, हड्डी के बीच खोखला पार्ट, इसी को अस्थि मज्जा कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है। एक हड्डी आप लोगों ने देखी होगी, और हड्डी को देखना कभी, उसका बीच वाले जो पार्ट है उसमें बहुत सारे रेसे होंगे और वो खाली सा पड़ा रहता है, खाली सा रहता है, उसी को बोन मैरो कहा जाता है। वहीं पे क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। अब मैं कहूँ आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कन्फ्यूज मत होना, आप कहोगे बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट्स कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में बनती है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा, आरबीसी की खोज किसने की दोस्तों, एंटनी, एंटनी वैन ल्यूवेन हुक ने। ठीक है, ल्यूवेन हुक ने, तो ल्यूवेन हॉक के नाम से प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज भी ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल की खोज भी किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। आरबीसी सेल्स की डिस्कवरी भी किसने की, ल्यूवेन हॉक ने की। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी डेड कहाँ पे होती है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, आरबीसी का लाइफ स्पैन टाइम कितना होता है, यानी कितने दिन तक ये जीवित रह सकती है। ये कुछ हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो लाइफ स्पैन पहले मैं बता देता हूँ, कोई भी लाल, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो 120 दिन तक जिंदा रहती है भाई। 120 दिन लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है किसका, आरबीसी सेल्स का। ठीक है, और दोस्तों आरबीसी कोशिकाएं जन्म कहाँ लेती है, बोन मैरो में। आरबीसी कोशिकाएं मरती कहाँ पे है, तो दो जगह ध्यान रखिएगा, लीवर में भी मरती है और ये स्प्लीन में भी जाकर मरती है। लीवर यानी यकृत और स्प्लीन यानी दोस्तों प्लीहा।
ठीक है प्ली, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। आरबीसी की मृत्यु लीवर में भी होती है, स्प्लीन में भी होती है। जिन आरबीसी की मृत्यु लीवर में जाके हुएगी, वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, स्प्लीन में होती है, लेकिन कुछ आरबीसी की मृत्यु लीवर में भी हो जाती है तो वो तो परमानेंट डेड हो जाती है भाई, वो तो पूरी तरह क्या हो जाती है, परमानेंट डेड हो जाती है। ठीक है, परमानेंट डेड हो जाती है जिन कोशिकाओं, जिन आरबीसी सेल्स की मृत्यु लीवर में होगी। लेकिन बहुत ज्यादा आरबीसी कोशिकाएं कहां पे मरती है, स्प्लीन में मरती है, प्लीहा में मरती है। ठीक है, कहां पे मरती है दोस्तों, स्प्लीन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्प्लीन कहां पे होता है, आप लोग कह सकते हो बिहाइंड द किडनी, दोनों किडनियों के पीछे होता है, या आप लोग कह सकते हो पैनक्रियाज के ऊपर। हमारा एक मसल्स नुमा इतना बड़ा ऑर्गन होता है, उसी को हम स्प्लीन कहते हैं। तो आरबीसी कोशिकाएं क्या होगी, स्प्लीन में जाएगी और वहां पे क्या हो जाएगी, 120 दिन बाद मर जाती है। तो दोस्तों यहां पे जहां पे आदमी मरते हैं, आपको पता है उसको क्या कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं स्प्लीन को किस किस नाम से जाना जाता है, स्प्लीन को कबर का कहा जाता है, आरबीसी कोशिकाओं का कबर का किसको कहा जाता है, दोनों को, लीवर को भी स्प्लीन को भी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहां पे जाके मरती है। अगर पेपर में एक पूछा जाए, एक आए, दोनों में से एक आए तो स्प्लीन, अगर स्प्लीन पेपर में ना हो तो लीवर भी, किसे, लीवर को क्या कहते हैं, आरबीसी का कबर गा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों ऑप्शन में हो तो आप लोगों को क्या लगाना है, स्प्लीन लगाना है, क्योंकि ज्यादातर जो आरबीसी सेल्स होती है वो कहां में मरती है, स्प्लीन में जाकर मरती है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, स्प्लीन में ही ये क्या हो जाती है, फिर आएगा कि भाई आरबीसी रीजेनरेट कहाँ पे होती है, यानी आरबीसी कोशिकाएं वापस जिंदा कहाँ पे होती है, तो वो कहाँ पे होगी, स्प्लीन में होती है दोस्तों, प्लीहा में ही होती है। तो इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है दोस्तों, यानी जहां कभी आप लोगों को ज्यादा चोट लग जाए ना, तो स्प्लीन क्या करता है, ब्लड को, आरबीसी कोशिकाओं को स्टोर करके रखता है, और वही आरबीसी फिर क्या करती है, वही स्प्लीन क्या करेगा, फिर उस ब्लड को पूरे बॉडी में फैला देता है। इसलिए ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, स्प्लीन को, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को आरबीसी सेल से याद रख लेने हैं दोस्तों। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, आरबीसी जो सेल्स होती है, नंबर से मैंने कितने कहा आप लोगों से, भाई बहुत ज़्यादा होती है, तो नॉर्मली मिलियन से कहा था, नॉर्मली आरबीसी कोशिकाओं की जो होती है दोस्तों संख्या, वो 4.5 मिलियन से, 4.8 मिलियन से लगभग, लेकिन 5 मिलियन तक होती है, यानी भाई 48 लाख से लेकर आप लोग कह सकते हो 50 लाख तक की संख्या होती है एक ब्लड के ड्रॉप में। देख सकते हो आप लोग कितनी छोटी होती है, एक ब्लड का जो ड्रॉप होता है उनमें कितनी सेल्स होती है, आरबीसी कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 48 लाख से 50 लाख तक। ठीक है, तो मेल्स और फीमेल में दोस्तों ये आरबीसी कोशिका है ना, ऊपर नीचे हो जाती है, मेल्स में ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उनका जो उनमें खून की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। फीमेल में आरबीसी कोशिकाओं की संख्या कम होती है, इसलिए उनमें खून भी कम होता है। एक रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लड़कियों में खून कम क्यों होता है, क्योंकि उनमें आरबीसी कम होती है, और लड़कों में आरबीसी ज्यादा होती है तो उनमें खून भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये एक रीजन है। और लड़कियों और लड़कों में WBC और प्लेटलेट्स की संख्या दोस्तों समान होती है, ये आप लोग ध्यान रखना, इक्वल होती है वहां पे, लेकिन फर्क किस में होता है, हमारा आरबीसी सेल्स में। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं कितना होता है, 48 लाख से 50 लाख तक हमारी सेल्स होती है। ठीक है, आरबीसी डेड कहाँ पे, लीवर स्प्लीन में, लाइफ स्पैन कितना, 120 दिन का। आरबीसी रीजनरेट कहाँ पे होती है, यानी वापस जिंदा, मैंने कहा था ना लीवर में तो परमानेंट डेड हो जाएगी, लेकिन स्प्लीन में क्या होती है, वापस जिंदा हो जाती है, तो इसलिए इसको हम लोग ब्लड बैंक भी कहा जाता है स्प्लीन को। दोस्तों यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई लगातार हम लोग जब भी ऊंचाई पर जाते हैं ना, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो माउंटेन्स पर जाएंगे तो आरबीसी की संख्याएं घटेगी या बढ़ेगी, ये कुछ जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। या ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो पहले तो लिख लेना भाई ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा जब हम एक्सरसाइज करते हैं, या भाई एट द हाइट पे, यानी हम हाइट पे जब चले जाते हैं, तो आरबीसी कोशिकाओं की संख्या, आरबीसी सेल्स की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है। और रात को सोते समय आरबीसी की जो संख्या है वो कम हो जाती है, ये कुछ क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना आरबीसी रिलेटेड।
ठीक है दोस्तों, क्या होता है हाइट पे जाएंगे तो हम क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे। ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से क्या होगी, हमारा स्प्लीन क्या करेगा, जितना उसके अंदर आरबीसी सेल्स है वो इसको पूरी बॉडी के अंदर सारा का सारा फैला देगा, यानी और हमारे शरीर के अंदर आरबीसी सेल्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लोगों को चाहिए है भाई, तो स्प्लीन अपना ये ऑक्सीजन जो इसके पास भरा हुआ है ब्लड बैंक में, इसको पूरे शरीर में फैला देते हैं। इसलिए हाइट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज और हाइट के दौरान हमारा आरबीसी की सेल्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो समझ में आया, इतने सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रख सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं, हमने डिस्कवरी की बात की, रेड ब्लड सेल की बात करी। अब आरबीसी कोशिकाओं का काम क्या होता है हमारे ब्लड में, ये हम बार बार बता चुके हैं आप लोगों को दोस्तों। आरबीसी के कारण ही आपको पता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके फंक्शन देख लेते हैं, कार्य क्या होता है आरबीसी का। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, आरबीसी सेल्स के कारण ही हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, तो ब्लड का कलर, रक्त का रंग लाल किस कोशिका की वजह से होता है, आरबीसी सेल्स की वजह से होता है। आरबीसी सेल्स में दोस्तों क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाई जहां भी कलर्स की बात होगी तो वहां पे एक पिगमेंट जरूर होगा, पिगमेंट की बात जरूर होगी। तो किस पिगमेंट की वजह से आरबीसी का कलर या ब्लड का कलर रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, रेड। क्योंकि हेमो का मतलब होता है दोस्तों आयरन, क्या होता है, आयरन। और ग्लोबिन जो होता है इसका होता है मतलब प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट भी है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है भाई। ठीक है, तो मैंने कहा आरबीसी सेल्स में, ये आरबीसी सेल्स है, आरबीसी सेल्स में क्या मिलेगा आप लोगों को, हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है दोस्तों, आयरन का बना होता है, आयरन का। और इन्हीं के कलर कारण हमारे ब्लड का कलर कैसा था, रेड था। तो एक सीरीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आरबीसी सेल्स का कार्य क्या है, वर्क क्या है। आरबीसी सेल्स का काम होता है भाई, हमारे शरीर में ऑक्सीजन एंड CO2 का आदान प्रदान करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है भाई, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ब्लड में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है या आरबीसी सेल्स करती है। ठीक है, ये मेन वर्क है ऑक्सीजन और CO2 को, यानी हमारे नाक से लेके लंग से लेके सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम ब्लड में कौन करता है, आरबीसी सेल्स करती है। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहां से। ठीक है, ये ही मेन वर्क था आरबीसी का, और ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को। पिछले हमने चार पांच टॉपिक पढ़े हैं और चार पांच टॉपिक में बार बार बात की होगी आरबीसी सेल्स का कार्य क्या होता है भाई। अब हम पढ़ते हैं भाई, आरबीसी कोशिकाएं की, आरबीसी कोशिकाओं से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, आरबीसी सेल्स से संबंधित बीमारियां, तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे शरीर में जब भी आरबीसी की क्या हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शरीर में अनिमिया हो गया, खून की कमी हो गई भाई। खून की कमी, किस सेल की कमी, इसको कहते हैं हमारे, जब भी किसी के शरीर में खून की कमी होती है तो भाई, क्योंकि आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, तो आरबीसी की कम होगी तो खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अनिमिया WBC के कारण नहीं होता, आरबीसी के कारण होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अनिमिया किसके कारण है, खून की कमी को ही अनिमिया कहते हैं, आरबीसी की कमी हो जाए तो। सेकेंड भाई, आरबीसी की संख्या दोस्तों जब ज़्यादा हो जाए ना, ज़्यादा, तो इसको कहा जाता है, पहले तो इसको नाम ध्यान रखना, पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी की जब लगातार मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाए, 50 लाख से 60 70 लाख हमारे ब्लड में हो जाए, तो दोस्तों वो भी खतरनाक है, वो हमारी क्या हो सकता है, नसों को फाड़ सकता है, नसें फट सकती हैं भाई। नसों का फटना होता है इस बीमारी में। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, पॉली यानी अनेक, अनेक यानी बहुत ज़्यादा आरबीसी सेल्स होने से, ये हमारी ब्लड की आर्टरीज है, तो बहुत ज़्यादा हमारी आरबीसी सेल्स हो जाएगी, तो प्रेशर पड़ेगा दीवारों पर, दीवारों पर प्रेशर पड़ेगा तो नसें क्या हो सकती है दोस्तों, फट सकती है। तो ये बीमारी हो जाती है आरबीसी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो। ठीक है, एक बीमारी होती है दोस्तों थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, तो सीमिया वही भाई, थैलेसीमिया, सीमिया वही खून की कमी,
और थैले का मतलब ये जो बीमारी है दोस्तों बच्चों में होती है, किस में होती है? बच्चों में, थैलेसीमिया। अब ये कैसी बीमारी है? मैंने आपको बताया था कि आरबीसी जो नॉर्मल दोस्तों क्या होता है, नॉर्मली 120 दिन तक क्या रहती है, जिंदा रहती है। और लेकिन इस बीमारी में दोस्तों आरबीसी जो है वो 50 से 60 दिन ही जिंदा रह पाती है। यानी जिस किसी को भी थैलेसीमिया हो जाए तो उसकी आरबीसी केवल 50 से 60 दिन तक ही जिंदा रहती है। तो यानी लगातार जल्दी जल्दी आरबीसी नहीं बनेगी तो वो सारे काम नहीं हो पाएंगे जो आरबीसी का मेन वर्क है। नॉर्मली इतने दिन तो रहना ही चाहिए भाई, ठीक है? तो आरबीसी का यानी संख्या घट जाता है, वो जल्दी जल्दी मरना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ हम लोगों ने डिजीज पढ़े किससे रिलेटेड, आरबीसी से रिलेटेड, ठीक है? ठीक है दोस्तों, समझ आया? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये कुछ डिजीज थी, आप लोगों को पता चल गया आरबीसी से रिलेटेड कुछ बीमारियां, ठीक है भाई। आरबीसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और लास्ट फैक्ट क्या है दोस्तों, आरबीसी में यानी जो मैमल्स होते हैं ना दोस्तों, जो स्तनधारी एनिमल्स होते हैं, तो उनमें आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस अबसेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नाभिक या जिसको हम केंद्रक कहते हैं, तो आरबीसी सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल देखो भाई, ये कोई भी एक सेल है, आरबीसी सेल्स है, कोई भी सेल होती है दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है, ठीक है? सेल का एक भाई केंद्र होता है, उसी को हम न्यूक्लियस या न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, केंद्रक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो आरबीसी की जो सेल होती है ना दोस्तों, उसमें न्यूक्लियस अबसेंट रहता है, इसलिए आरबीसी सेल्स को ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है, ठीक है? ब्रेनलेस सेल हमारी किसको कहा जाता है, आरबीसी कोशिकाओं को। लेकिन एक्सेप्शन है दोस्तों, एक्सेप्शन क्या है भाई, मैमल्स, वो कौन से मैमल हैं जिनमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स की ध्यान रखना, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए इसको ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है। भाई आप लोगों ने कैमल देखा होगा, ऊंट देखा होगा, या लामा, लामा भी एक ऊंट ही होता है जो पहाड़ों पे सामान ढोता है, ठीक है? कैमल या लामा भाई, इनके न्यूक्लियस में, सॉरी, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है एक चीज, मैंने कहा भाई आरबीसी जो सेल्स होती है उसके केंद्रक में न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है। तो अगर मैं कहूँ हमारे सेल में, हमारी आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस मिलेगा, नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो किस में होता है, कैमल और लामा में होता है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से दोस्तों। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता था, येल्लो कलर होता था, येल्लोइश होता था। वो किस पिगमेंट की वजह से होता था, आपने पढ़ा बिली रूबिन पिगमेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से, बिली रूबिन पिगमेंट की वजह से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो होता है, आप लोगों ने पीलिया रोग सुना होगा ना, पीलिया रोग, जोंडिस आई, जोंडिस डिजीज जिसको बोलते हैं, खतरनाक पीलिया रोग, वो पीलिया यानी पीलापन आप लोगों के नेल्स में जम जाते हैं, आपकी आंखों में जम जाता है, आपकी स्किन पीली हो जाती है, वो आप लोगों का बिली रूबिन पिगमेंट ही जम जाता है, समझे आया? उसी के कारण आप लोग अब कैसा हो गए हो, पीले हो गए हो, येलोइश कलर दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है? किसकी वजह से, बिली रूबिन पिगमेंट की वजह से ही, ठीक है? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि खतरनाक पीलिया रोग या पीलिया रोग किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो वो कौन सा पिगमेंट है, बिली रूबिन पिगमेंट है, ठीक है? एक फैक्ट और जान लेते हैं, हमने ब्लड का भाई पीएच वैल्यू अभी तक नहीं पढ़ा है, ब्लड पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4, ठीक है? 7.4 यानी स्लाइटली बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर होता है दोस्तों, बेसिक इन नेचर, या बेसिक प्लस उसको एल्कलाइन भी कह सकते हैं दोस्तों। एल्कलाइन का मतलब होते हैं जो सोल्यूबल हो, वाटर में जो सोल्यूबल होते हैं उसी को हम एल्कलाइन कहते हैं। तो आप लोगों को पावर ऑफ हाइड्रोजन तो पता होगा, एक पीएच स्केल होता है, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन ब्लड की कितनी होती है दोस्तों, 7.4। आपको पता है दोस्तों पीएच स्केल होता है, एक स्केल होता है, ये हमारा 0 से लेके 14 तक एक स्केल है, उसमें नंबरिंग लिखी रहती है, एक बीच में हमारा 7 होता है। तो 7 से जब कम हमारा पीएच स्केल पे कोई वैल्यू आए तो उसको कहते हैं हम एसिडिक इन नेचर, और 7 से ज्यादा आए तो उसको क्या कहते हैं, बेसिक इन नेचर। तो हमारा ब्लड
कोई भी सॉल्यूशन है मिक्सचर है, उसको अगर आप पीएच स्केल पर डालोगे, अगर उसका नंबरिंग 7 से कम आ रहा है तो एसिडिक और 7 से ज़्यादा आ रहा है तो बेसिक। तो हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वो कितनी है भाई, यहाँ पे आती है 7.4। तो स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली यानी हल्का सा बेसिक, माइन्यूट सा बेसिक, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये पीएच वैल्यू गड़बड़ा गया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर इस ब्लड का पीएच वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाए तो इस ब्लड में, हमारे ब्लड में एसिडिक नेचर आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अम्लीय होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा ब्लड दोस्तों गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और गाढ़ा होने से क्या होगा भाई, ये फ्लो नहीं कर पाएगा और हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ब्लड गाढ़ा कब हो जाता है, जब वो उसका पीएच वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है, या ब्लड में एसिडिक नेचर आना स्टार्ट हो जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो गाढ़ा हो जाएगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। क्यों हो सकती है, आपको पता है, फ्लो नहीं होगा पाएगा ऑक्सीजन वगैरह। और अगर आप लोगों का बेसिक से 7.4 से और आगे हो गया, बेसिक की तरफ बढ़ गया, तो आपका जो ब्लड है वो दोस्तों बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा। आपका जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पानी हो जाएगा। और ये पानी रिसकर कहाँ, आप लोगों की ब्लड की आर्टरीज और वीन से बाहर निकल सकता है और जाके ये टिश्यू में जम जाएगा और पूरी बॉडी पर स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड का पीएच वैल्यू इतना ही होना चाहिए, 7.4, ना तो इससे ज़्यादा ना ही इससे कम। अगर कम हो गया तो एसिडिक नेचर आ जाएगा और वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो गया तो पीलापन हो जाएगा, सॉरी पानी जैसा हो जाएगा और हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये पढ़ा हम लोगों ने आज की क्लास में प्लाज्मा और RBC के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे WBC प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है, और तमाम बहुत सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है तो वहीं पे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।